अल्लाह नाजरीन नाजन ये प्रोबेबिलिटी का मोर कम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये आ जाता होता अक्सर पेपरों के अंदर तो ये तवज़ो से समझ लीजिएगा सपोज सपोज अल्फ़ा टी बी अ फंक्शन डेट गिज़ द्रॉपबिलिटी अल्फ़ा टी इज इक्ल टू थ्री मल्टीप्लाई पावर माइनस नाइन टी स्कर इन टू टेन माइनस टी इफ़ अ परसन इज़ अलाइव एट सिक्सटी ईयर फाइन द प्रोबलिटी दैट विल डाई बिटवीन दिक्सटी एंड सेवेंटी आगे कंडीशन उन्होंने दी हुई है नादनी के पर्सन इज़ अलाइव एट सिक्सटी ईयर सेकेंड कंडीशन है परसन विल डाई बिटवीन सिक्सटी टू सेवेंटी ईयर्स यानी जो पर्सन बी कंडीशन है उसके अंदर उन्होंने यह दिया हुआ है कि पर्सन जो ये एक पर्चन है पर्सन है ना वो सिक्सटी से अबव जीता है जो टोटल इसकी रेंज है वो क्या है वन हंड्रेड सिक्सटी से लेके वन हंड्रेड तक जीता है दूसरा पर्चन ये है कि सिक्सटी टू सेवेंटी तक जीता है लिहाजा हम इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा सिक्सटी टू सेवेंटी यानी एक बंदा सिक्सटी से सौ तक जीता है दूसरा बंदा सिक्सटी uh, से सेवेंटी तक जीता है तो उनके अंदर दोनों अंदर जो कॉमन पार्ट होगा ना दस ईयर वो उसको हम कॉमन ले लेंगे और जो बी था एक बंदा सिक्सटी से ज़्यादा तक जीता है यानी इसकी कंडीशन जो आगे हम करेंगे उसकी सौ कंडीशन लेंगे यानी सौ साल तक जिएगा अच्छा ये देखें नाजरीन इसको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू आजा बढ़ रही है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद नाजी इसका हम आंसर निकालेंगे ये पहले को हमने इंटीग्रेट किया है ये देखें इंटीग्रेट किस तरह करना है कि ये कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा और इसको अंदर आस्ता आस्ता मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसके बाद नाजी इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा इसके अंदर जो वैल्यू हमने टी की पुट करनी है टी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा بہت شكري ناظرین. الله حافظ